नमस्कार दोस्तों, मैं निशा डोडवानी आप सभी का जय भारत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमने लास्ट जो क्लास पढ़ी थी उसमें हमने स्केलेटन सिस्टम की बात की थी, पूरा स्केलेटन सिस्टम पढ़ लिया था। आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम? पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम डन। हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है या डाइजेस्टिव मतलब क्या होता है? तो पाचन मतलब होता है जटिल पोषक पदार्थों को सरल पोषक पदार्थों में तोड़ना या बांटना ही पाचन कहलाता है। एवं इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, ये जटिल पोषक पदार्थ, सरल पोषक पदार्थ, ये क्या है? तो जटिल पोषक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जो हम फेट लेते हैं घी तेल से, प्रोटीन अंडे से, सोयाबीन से, दालों से, कार्बोहाइड्रेट आलू केले, ये सबसे हमको क्या मिलती है? कार्बोहाइड्रेट। तो उन कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ना, मतलब कार्बोहाइड्रेट जटिल पोषक पदार्थ है उसको सरल पोषक पदार्थ मतलब ग्लूकोज में तोड़ना, उसकी इकाई है। वसा को वसी अम्ल और ग्लूकोज ग्लिसरॉल में तोड़ना, वो उसकी सरल पोषक पदार्थ है। और प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में तोड़ना, मतलब जटिल पोषक पदार्थों को सरल पोषक पदार्थों में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। चीज समझ में? वैसा का वैसा तो अंदर डाइजेस्ट नहीं हो सकता ना, तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। मतलब समझे तो बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना पाचन कहलाता है। चीज समझ में? पूरे के पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, ये सब क्या होते हैं? तो ये हम जब संतुलित आहार पढ़ेंगे उसमें सारा का सारा आराम से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पाचन तंत्र। समझ में आ गया क्या होता है? तो जटिल पोषक पदार्थों को सरल पोषक पदार्थों में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। इस पूरे के पूरे सिस्टम को पाचन तंत्र कहते हैं। डन। अच्छा, हमने जब कंकाल पढ़ा था उसके भी दो भाग किए थे हमने। कौन कौन से? 206 हड्डियां थी जिसमें से 80 अक्षीय ने और 126 अनुबंधी ने बनाई थी, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। डन। वैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम के भी हम दो पार्ट्स करेंगे। वो टू पार्ट्स कौन से हैं, तो बात करते हैं उसकी। हाँ देखिए, तो पाचन तंत्र के भाग कितने हैं? अभी बात की दो, कौन कौन से? आहार नाल और संबंधित पाचक ग्रंथियां। आहार नाल और संबंधित पाचक ग्रंथियां। आहार नाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। एंड संबंधित पाचक ग्रंथियों को रिलेटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। डन। समझ में आ गई क्या है? ये पाचन तंत्र के भाग हो गए आपके। अच्छा, आहार नाल मतलब क्या होता है? आहार नाल मतलब आहार की नाल। हम जो खाना खाते हैं, पूरी की पूरी नलिका कौन सी है? वो पूरी की पूरी नलिका हमारी आहार नाल में आएगी, जो मुख गुहा बकल कैविटी से स्टार्ट होकर एनस पर खत्म होती है। एनस मतलब गुदा पर खत्म होती है। उसके बीच में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं वो सारे के सारे अभी देखेंगे। तो देखिए, मुख व मुख गुहा, मुख व मुख गुहा, माउथ एंड बकल कैविटी। सेकेंड, सेकेंड क्या है आपका? मुख के बाद ग्रसनी, ग्रसनी। थर्ड, ग्रसिका। फोर्थ,
ग्रसिका के बाद वाला पार्ट, आमाशय, स्टमक, ऑइसोफेगस, स्टमक। स्टमक के बाद भोजन कहाँ जाता है? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के बाद गूदा द्वारा अपचित भोजन जो अपशिष्ट होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब स्टार्ट कहाँ से हुई? मुखवा से। खत्म कहाँ हुई? एनस पर, गूदा पर। अच्छा, डाइजेस्टिव पाचक ग्रंथियों में क्या है? इधर देखिए, मैं कहूँ आपके मुखवा या बकल कैविटी में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं जो लार का स्रावण करती हैं? तो लार ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड, तो लार ग्रंथियां। ठीक है, फिर ग्रसनी ग्रसिका में तो कोई नहीं है, नहीं है ना? हाँ, लेकिन हम इसमें पढ़ेंगे यकृत अलग से, यकृत, अग्नाशय, लीवर, अग्नाशय, पैनक्रियास, अग्नाशय और पित्ताशय, गॉल ब्लैडर। डन, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आमाशय में कौन सी पाचक ग्रंथियां होती हैं, तो आमाशय में जठर रस का स्रावण होता है, तो कौन करती है? जठर ग्रंथियां करती हैं, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन सी ग्रंथियां? जठर ग्रंथियां। और बात करूं मैं छोटी आंत में, तो छोटी आंत में कौन सी ग्रंथियां होती है? ब्रूनर्स ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां? ब्रूनर्स। ब्रूनर्स ग्रंथियां। अच्छा, एक चीज, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रूनर्स ग्रंथियों वाला। ब्रूनर्स और ब्रूनर दोनों बोलते हैं इनको, तो ये चीज कंफ्यूज मत होना इसमें कि वहां ब्रूनर लिखा हुआ मिला, ब्रूनर। ठीक है, दोनों, ब्रूनर्स और ब्रूनर दोनों आते हैं। हाँ, इधर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, कि ब्रूनर्स ग्रंथियां आहारनाल के किस भाग में पाई जाती हैं, या ब्रूनर्स ग्रंथियां हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में पाई जाती हैं? तो कहां पर पाई जाती है? हमारी छोटी आंत में। कहां पर? छोटी आंत में। क्वेश्चन आ चुका है, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय या ग्रसिका, तो छोटी आंत में। ऐसे एक और क्वेश्चन आया था कुफुर सेल्स का, तो कुफुर सेल्स या कुफुर कोशिकाएं यकृत में पाई जाती हैं, लीवर में। वो भी सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये दो आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ब्रूनर्स ग्रंथियां और कुफुर कोशिकाओं का। हाँ, तो बात करते हैं, सबसे पहले हमने आहार नाल, पाचक तंत्र, जो हमारा पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको हमने दो भागों में कौन कौन सा बांटा? आहार नाल और संबंधित पाचक ग्रंथियां, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल मुख गुहा से स्टार्ट होती है, खत्म कहाँ पर होती है? गूदा पर। मुख गुहा के बाद भोजन ग्रसनी में, ग्रसनी के बाद ग्रसिका में, ग्रसिका के बाद आमाशय में, और फिर छोटे आंत में होता हुआ, बड़ी आंत से होता हुआ, फिर मलाशय और गूदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। मलाशय बड़ी आंत का ही भाग है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कहूँ मुख गुहा में कौन सी ग्रंथियां होती है, तो लार ग्रंथियां। संबंधित पाचक ग्रंथियों में हम यकृत, अग्नाशय और पित्ताशय भी पढ़ेंगे। स्टमक में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, तो जठर ग्रंथियां। छोटी आंत में ब्रूनर्स ग्रंथियां। डन। अच्छा, एक चीज अब मैं आपसे पूछूं, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? आहार नाल की लंबाई, तो इधर देखिए, 8 से 10 मीटर, ये एवरेज औसतन जब बात करते हैं कि 8 से 10 मीटर, लेकिन फिक्स आए कितनी मीटर है? 6, 9, 10, 12, तो कितनी होती है? 9 मीटर। कितनी? 9 मीटर। अच्छा, मैं अगर ये कहूँ आपको कि 1 मीटर में कितने फिट होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? 1 मीटर में 3.28 फिट होते हैं। कितने? 1 मीटर में 3.28 फिट होते हैं। अच्छा, अब 9 मीटर है, तो 9 मीटर को इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो 29.52 आंसर आएगा, मतलब 30 फिट के लगभग हो गया। तो इसका आंसर लगभग 30 फिट। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि आहार नाल की लंबाई, आहार नाल की लंबाई
मीटर में भी पूछी जाती है और फिट में भी पूछी जाती है। तो अगर वो मीटर में पूछेगा तो मीटर में आंसर करेंगे, अगर वो फिट में पूछेगा तो फिट में आंसर करेंगे। डन। 9 मीटर 30 फिट, 9 मीटर 30 फिट, समझ में आ गई ये बात तो। अच्छा, ये तो हो गए इसके भाग जो हमने बात की, ये तो क्या हो गए इसके भाग। अब आगे पाचन तंत्र के चरण, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी सीक्वेंस पूछी जाती है कि पहला कौन सा स्टेप आएगा, दूसरा कौन सा स्टेप आएगा, तीसरा कौन सा स्टेप है। ठीक है, तो पाचन तंत्र के चरण, पाचन तंत्र के चरण, समझ में आ गई बात। अच्छा, कितने चरण होते हैं, 5 स्टेप्स होती हैं इसकी, कितने चरण होते हैं, 5 चरण। ओके, कौन कौन से, सबसे पहले हम बात करें तो भोजन अंदर ग्रहण कर रहे हैं तो अंतःग्रहण, कौन सा, अंतःग्रहण। ठीक है, अंतःग्रहण, मुखगुहा द्वारा भोजन अंदर लिया जाता है, अंदर ग्रहण किया जाता है, तो अंतःग्रहण। ठीक है, दूसरा डाइजेशन, पाचन, तीसरा अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, चौथा स्वांगीकरण, पांचवा मल त्याग, ठीक है। हाँ, पाचन तंत्र के चरण, तो पाचन तंत्र के ये 5 चरण होते हैं, ये 5 स्टेप्स होती हैं। सबसे पहले अंतःग्रहण, उसके बाद पाचन, उसके बाद अवशोषण, उसके बाद स्वांगीकरण, उसके बाद मल त्याग। अच्छा, ये दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ये वाला है चरण। सबसे पहले हमने आहार नाल में बात किसकी की थी, मुख व मुख गुहा की, मुख गुहा द्वारा हम भोजन अंदर ग्रहण करते हैं, क्या कर रहे हैं, अंदर ग्रहण कर रहे हैं, मतलब अंतःग्रहण, अंदर ग्रहण। ठीक है, उसके बाद मुख गुहा के बाद ग्रसनी और ग्रसिका में कुछ काम नहीं होगा, पाचन का काम नहीं होता, वो सिर्फ आगे भेजने का काम करता है। फिर आमाशय में पाचन स्टार्ट होता है, डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो पाचन कहाँ कहाँ पर होता है, आमाशय और छोटी आंत, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन होता है, डाइजेशन होता है। ठीक है, फिर पाचन हो गया, पच गया पूरा खाना, अब वो एब्जॉर्ब करेगी कोशिकाएं, क्या करेंगे उसको, अवशोषण करेंगे, अपने अंदर लेंगी, तो अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत में और बड़ी आंत में। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, तो भोजन फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत में मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्प्शन किया जाता है, मतलब जल व खनिज लवणों का अवशोषण किया जाता है। अच्छा, बड़ी आंत तक की बात हो गई, ठीक है, अभी गुदा वाला बचा, गुदा वाला काम आगे बताऊंगी। हाँ, स्वांगीकरण, ये स्वांगीकरण क्या है, कुछ अलग सा ही नाम दिख रहा है, तो स्वांगीकरण मतलब क्या होता है, जो भोजन हमने अवशोषित किया, अवशोषण वाली स्टेप पे था, जो भोजन अवशोषित किया गया, तो वो अवशोषित भोजन को रक्त के द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचाने की क्रिया या प्रोसेस ही क्या कहलाती है, स्वांगीकरण कहलाती है। ये सब आप जानते हैं कि कोशिकाओं तक खाना पहुंचाना या काम करने का, या ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है, तो ब्लड ही करता है हमारा, O2 CO2 ले जाने का, उत्सर्जी पदार्थ का, फूड्स का, ये सारा का सारा काम सारी सेल्स तक कौन करता है, तो ब्लड ही करता है। हमारे शरीर की स्ट्रक्चरल या बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है, तो कोशिका ही एक सेल ही है जिससे हमारा पूरा का पूरा शरीर बना है। ठीक है, तो सेल्स को भी फूड की नीड होती है, वही काम कर रहे हैं, तो उनको फूड देने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। तो कोशिकाओं के पास रक्त के द्वारा जो अवशोषित भोजन पहुंचाया जाने की क्रिया है वो क्या होती है, स्वांगीकरण क्रिया होती है, मतलब अवशोषित भोजन को रक्त के द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचाने की क्रिया स्वांगीकरण कहलाती है।
और फिर एनर्जी मिलती है, हम खाना क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए तो खाते हैं ताकि हमको एनर्जी मिले। फिर जो अपचित अपशिष्ट बचा है वो मल लाश में इकट्ठा होके और गूदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? मलत्याग। ये पांच आपकी स्टेप्स एग्जाम में डाइट पाचन तंत्र का सही क्रम क्या है निम्नलिखित में से बताइए। तो इसमें उल्टा सीधा करके दे देता है, चौथे को पहले पर, पहले को पांचवें पर, तीसरे को दूसरे पर, ऐसे उल्टा सीधा करके दे देता है। तो ये स्टेप आपको उसमें से चुनना होता है। डन, समझ में आ गई यहाँ तक बात? अभी हमने पार्ट्स पढ़ लिए इसके दो और चरण पढ़ लिए, ओके। आगे इसकी बात करते हैं। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ, एक एक की बात करेंगे। इधर देखिए, सबसे पहले आपका माउथ, जिसकी हमने बात की थी, माउथ एंड बकल कैविटी, माउथ एंड बकल कैविटी, ठीक है। इसमें हम दो भाग पढ़ेंगे, मुख में, मुगुआ में कौन कौन से? जीभ, टंग और दांत, टीथ, ये दो चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, हमने माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स लिखी थी, लार ग्रंथि संबंधित पाचक ग्रंथियों में, याद है अभी? तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। अब बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स होती क्या हैं। ये हैं आपकी लार ग्रंथियाँ। क्या है? लार ग्रंथियाँ। अच्छा, एक बात पूछनी पूछूं, मानव शरीर में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? मानव शरीर में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? कितनी जोड़ी? तीन जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी? तीन जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी हैं? तो ये फर्स्ट पैरोटिड ग्रंथि, जोड़ी मतलब दोनों तरफ, ये कर्णपूर्व ग्रंथि है, पैरोटिड ग्रंथि, कान के नीचे दोनों तरफ, इधर भी, इसलिए एक जोड़ी बोल रहे हैं उसको, ठीक है। आ जा, छोटा हो जा। हाँ, दूसरा सब मैक्सिलर। अच्छा, इसको सब मैक्सिलर और मैंडिबुलर दोनों कहते हैं, मैंडिबुलर ग्रंथि, लार ग्रंथि, ठीक है। तीसरी सब लिग्युल लार ग्रंथि, ठीक है, ये आपकी तीन है। अच्छा, पैरोटिड ग्रंथि को क्या कहते हैं हिंदी में? तो कर्ण पूर्व लार ग्रंथि, लार ग्रंथि मतलब कान से पहले आती है, ठीक है। सब मैक्सिलर या मैंडिबुलर, तो अधो जम लार ग्रंथि, अधो जिह्वा लार ग्रंथि। समझ में आई बात? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अधोजम मतलब जबड़ा, जबड़े के नीचे आती है, और सबल्यूगल लार ग्रंथि अधोजिह्वा मतलब जीभ के नीचे आती है, ठीक है। ये देखिए, ये आपको तीनों दिख रही है, ये पैरोटिड ग्रंथि कहाँ दिख रही है? ये कान के आगे दिख रही है, कर्ण पूर्व ग्रंथि कान से पूर्व में आगे दिख रही है, सबल्यूगल ग्लैंड और सब मैंडिबुलर, सबल्यूगल अधोजिह्वा ग्रंथि, ठीक है, मतलब जीभ के नीचे। ये देखो, ये आपका टंग है, ये शो हो रहा है टंग, उसके नीचे दिख रही है ये आपको, ये वाली, ये क्या है? ये जीभ और ये टंग के नीचे, ये सबल्यूगल ग्रंथि मतलब जीवा के नीचे पाई जाती है, और ये आपकी सब मैंडिबुलर, ये जबड़ा, इस जबड़े के नीचे, ये वाली सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलर भी कहा जाता है इसको। चीजें समझ में आ गई? तीन जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी? तीन जोड़ी। कौन कौन सी? पैरोटिड ग्रंथि, सब मैक्सिलर और सबल्यूगल ग्रंथि। अच्छा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इनमें वो पैरोटिड ग्रंथि है। सबसे ज्यादा कौन सी इंपॉर्टेंट है? पैरोटिड ग्रंथि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ये बहिस्रावी ग्रंथियां, अभी मैं लिख दूंगी। हाँ, तो पैरोटिड ग्रंथि क्वेश्चन आता है, अंतः निम्नलिखित में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है,
निम्नलिखित में से अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि या पैरोटिड ग्रंथि? तो कौन सी नहीं है? पैरोटिड ग्रंथि नहीं है। निम्नलिखित में से बहिःस्रावी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पैरोटिड ग्रंथि? तो कौन सी है? पैरोटिड ग्रंथि बहिःस्रावी ग्रंथि है। अच्छा, बहिःस्रावी और अंतःस्रावी क्या होता है? तो बहिःस्रावी मतलब वो जो एंजाइम्स स्रावित करें, और अंतःस्रावी मतलब जो हार्मोन्स स्रावित करें। आगे जब हम एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र पढ़ेंगे, उसमें पूरे डिफरेंस लिखवाऊंगी इनके, कि अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है और बहिःस्रावी तंत्र क्या होता है। अभी आप ये समझ लीजिए, अंतःस्रावी तंत्र मतलब जो हार्मोन्स का स्रावण करे, बहिःस्रावी तंत्र मतलब जो एंजाइम्स का स्रावण करे। चीज समझ में आ गई? अंतःस्रावी तंत्र किसका स्रावण करेंगे? हार्मोन्स का। बहिःस्रावी एंजाइम्स का। लार ग्रंथियां एंजाइम्स का स्रावण करती हैं, इसलिए इनको बहिःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। तो ये कैसी ग्रंथियां हैं? तो बहिःस्रावी ग्रंथियां हैं, बहिःस्रावी ग्रंथियां। क्यों? क्योंकि ये एंजाइम्स का स्रावण करती है। स्रावण मतलब सेक्रेशन, स्रावण करती है। ओके, यहाँ तक इसकी बात हो गई। अच्छा, लार में कितने परसेंट वाटर होता है, कितने परसेंट एंजाइम होते हैं? तो 99% वाटर होता है और 1% एंजाइम होते हैं। अच्छा, इसकी पीएच सबसे इंपॉर्टेंट है। लार की पीएच क्या होती है इसकी? तो लार की पीएच क्या होती है? 6.8। क्या होती है? 6.8। अच्छा, ये पीएच मतलब क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मतलब क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की सांद्रता, सामर्थ्य या उसकी शक्ति, जो उसकी क्षारीय और अम्लीय प्रकृति को बताता है। तीन चीजें होती हैं इसमें, 0 से लेकर 7 तक, फिर 7 पर न्यूट्रल, 0 से लेकर 7 पर एसिडिक, फिर 7 पर न्यूट्रल उदासीन, और फिर 7 से 14 तक उसकी क्षारीय प्रकृति को बताता है। पीएच इसके लाती है पीएच मान, ठीक है। तो इसका क्या है? 6.8। डन। हाँ, आगे बात करते हैं इसकी, कितने परसेंट वाटर है। तो इसमें 99% वाटर लार में और 1% एंजाइम। अच्छा, ये एंजाइम कौन से हैं? तो ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम कौन से हैं? अगर मैं इसको कहूँ, इसमें एक जीवाणुनाशक एंजाइम पाया जाता है। लार बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवाणुनाशक एंजाइम। दो एंजाइम होते हैं इसमें, जीवाणुनाशक एंजाइम। तो वो कौन सा एंजाइम होता है? आप सभी जानते हैं उसका नाम, लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम मतलब लाशें बिछाने वाला जाइम, याद रख लो, लाशें बिछाने वाला एंजाइम, लाइसोजाइम। अच्छा, आपने कोशिका पढ़ी हो तो उसमें लाइसोसोम होती है, आत्मघाती थैली, जो मारने का काम करती है। बाहर से जो भी जीवाणु आ जाते हैं उनको अंदर लेके फट जाती है और आत्मघात कर लेती है, खुद भी मर जाती है। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी संग लेके डूबेंगे, ऐसा काम करती है वो लाइसोजाइम, आत्मघाती थैली कहते हैं। तो उसी से ये एंजाइम लाइसोजाइम, वो लाइसोसोम और ये लाइसोजाइम। अब वो भी याद नहीं रहे तो याद रख लेना, लाश बिछाने का काम करने वाला एंजाइम लाइसोजाइम, मतलब जीवाणु नाशक एंजाइम, बैक्टीरिया को मारता है। जब भी हम खाना खाते हैं, फर्स्ट तो यहीं पे मार देता है, सेकेंड स्टमक में मारता है, एचसीएल मारता है। कुछ भी खाना खाए उसमें थोड़ा सा भी कोई बैक्टीरिया है, डायरेक्ट सलाइवा में मर जाएगा, और थोड़ा फिर कुछ बच गया तो वो स्टमक में एचसीएल उसको मार देता है, खत्म कर देता है। डन। आगे बात करते हैं दूसरा। अच्छा, इसमें पाचन भी होता है? किसका पाचन होता है और एंजाइम कौन सा काम करता है? तो इसमें जो पाचन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले पाचन किसका होता है और लार में किसका पाचन होता है? तो किसका पाचन होता है लार में? कार्बोहाइड्रेट का पाचन। किसका? कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट में भी स्टार्च होते हैं, शर्करा होते हैं, सेलुलोज होते हैं। एक चीज ध्यान रखना, सेलुलोज का पाचन हम ह्यूमंस में नहीं होता, वो डायरेक्ट मल द्वारा निकाल दिए जाते हैं। सेलुलोज का पाचन हमारे अंदर नहीं होता, लेकिन पशुओं में, एनिमल्स में सेलुलोज का पाचन होता है। वो किस पार्ट में होता है? वो इस सिक्कम पार्ट में होता है, जिसको हिंदी में अंदनाल कहते हैं, ठीक है। तो सेलुलोज का पाचन पशु में होता है, वो किस भाग में? तो सिक्कम में, अंदनाल इसको हिंदी में कहते हैं, लेकिन हमारे अंदर सेलुलोज का पाचन नहीं होता। अब स्टार्च वाला पाचन इसमें हो गया लार में, शर्करा का पाचन आगे आंतरी रस में पढ़ेंगे, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, ठीक है। तो फर्स्ट बात करते हैं इसमें किसका पाचन? स्टार्च। अब ये किसका रूप है? कार्बोहाइड्रेट सोर्स, इसका कार्बोहाइड्रेट,
स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का ही सोर्स है। अच्छा स्टार्च होता है किसमें? तो आलू में, अरबी, केला, इन सब में स्टार्च होता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन, जो भी हम ये चावल गेहूं ये सब खाते हैं वो स्टार्च ही है, का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो किस एंजाइम द्वारा होता है स्टार्च का पाचन? टाइलिन या एमाइलेज, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। बहुत बार टाइलिन दे देता है, और टाइलिन नहीं देता तो ऑप्शन में एमाइलेज मिलता है। तो टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम, चीज समझ में आ गई किस एंजाइम द्वारा होता है? ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। ये दोनों एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला और ये वाला, चीज समझ में आ गई यहाँ पे, ठीक है। ये इसकी बात हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं जीवाणुनाशक एंजाइम हो गया कौन सा? लाइसोजाइम। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और टाइलिन एमाइलेज एंजाइम करता है। अच्छा स्टार्च को किस में तोड़ता है? जब एमाइलेज एंजाइम इसका पाचन करता है तो स्टार्च को किसी में ना किसी में तो तोड़ेगा पाचन करके। मतलब हमने बात कहा कि जटिल पोषक पदार्थ को सरल पोषक पदार्थ में बांटता है, तो वो सरल पोषक पदार्थ क्या है? तो स्टार्च माल्टोज में तोड़ता है। किस में तोड़ता है? तो स्टार्च माल्टोज में तोड़ता है। अच्छा माल्टोज फिर आगे जाके हम आंतरिक रस में पढ़ेंगे, माल्टेज एंजाइम द्वारा दो ग्लूकोज के अणु में टूट जाता है। माल्टोज मान शर्करा होती है, चावल इनमें पाई जाती है, ठीक है। तो माल्टोज फिर आगे जाके दो ग्लूकोज के अणु में टूटेगा, वो माल्टेज एंजाइम काम करेगा। लेकिन यहां पर स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने का काम कर रहा है। ये नहीं पूछेगा प्रोसेस की स्टार्च किस में तोड़ रहा है, नहीं पूछता। ये पूछता है कि लार में किसका पाचन होता है, ठीक है। और सबसे पहले किसका पाचन हुआ है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा का? तो डायरेक्ट स्टार्ट ही लार से हो रहा है, तो लार में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और लार में किसका पाचन हो रहा है? तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च शर्करा सेलुलोज दे दे तो स्टार्च का, शर्करा का यानी होता। चीज समझ में आ गई? तो ये पूरी की पूरी आपकी बात इसकी हो गई। अच्छा लार के पीएच 6.8, कितने परसेंट वाटर है? 99% और 1% एंजाइम। अच्छा ये जो तीनों की तीनों ग्रंथियां हैं, कितना लार स्रावित करती है प्रतिदिन? तो 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन ये तीनों ग्रंथियां लार का स्रावण करती हैं, 1 से 1.5 लीटर। चीज समझ में आ गई कितना? 1 से 1.5 लीटर। क्वेश्चन पूछता नहीं, लेकिन मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ। ये जो इंपॉर्टेंट लगवा है वही याद रखने क्वेश्चन आने के लिए, ठीक है। ये बात की हमने अभी लार ग्रंथियों की, कि लार ग्रंथियां होती क्या है। बहिस्रावी ग्रंथियां याद रखना, पैरोटिड ग्रंथि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं हम ग्रसनी। ये क्या है ग्रसनी? मुख गुहा में हम जब जीभ और दांत, आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे क्योंकि उसको पूरा को पूरा एक्सप्लेन करना है मुझे, तो आगे पूरा अच्छे से समझाऊंगी आपको। एक बार पहले इसको देख लेते हैं, ग्रसनी, ठीक है। हाँ ग्रसनी का क्या काम है? कुछ है, ये भोजन को मुख गुहा से ग्रसिका को जोड़ने का काम कौन करती है? ग्रसनी। और इसमें दो द्वार होते हैं। क्या होते हैं? दो द्वार, कौन कौन से? तो मैं आपका ग्रसनी यहां लिख देती हूँ, नहीं यही लिख देते हो, देखो ग्रसनी के दो द्वार होते हैं, कौन कौन से? एक सेकेंड, ये आपका ग्रसनी में यहां लिख देती हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये आपकी ये ग्रसनी है, ठीक है, ये वाली ये ग्रसनी है। मुख गुहा को ग्रसिका से जोड़ने का काम ग्रसनी करती है। ग्रसनी में दो द्वार होते हैं, कितने द्वार होते हैं? दो द्वार, कौन कौन से? निगल द्वार और कंठ द्वार, कौन कौन सा? निगल द्वार और कंठ द्वार। निगल द्वार, निगल द्वार को कहते हैं गुलेट, कंठ द्वार को कहते हैं ग्लोटिस। क्या कहते हैं? गुलेट और ग्लोटिस। ग्लोटिस क्या कहते हैं? इसको सही लिख देती हूँ, वो पेन वापस हो गया है। ग्लोटिस, ठीक है, गुलेट एंड ग्लोटिस, निगल द्वार और कंठ द्वार। अच्छा आपको ये चीज समझ में आ रही हो, ग्रसनी के दो द्वार हैं, कौन कौन से? निगल द्वार और कंठ द्वार, दो दरवाजे हैं, मतलब एक जगह उसके दो दरवाजे हैं, निगल द्वार और कंठ द्वार। निगल द्वार कहाँ खुलेगा? तो आगे जाके ग्रसिका में खुलता है, मतलब भोजन नली में खुलता है।
जबकि कंठ द्वार समझ में आ रहा, कंठ का दरवाजा, कंठ में खोलने वाला दरवाजा, ये आगे आपकी श्वास नली में, हम जब श्वसन तंत्र पढ़ेंगे तब बात करेंगे, श्वास नली में जाके खुलता है और ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ने का काम कंठ ही करता है। आगे उसको पूरा पढ़ेंगे, कंठ द्वार, कंठ द्वार, तो आगे जाके ये श्वास नली में खुलता है। चीज समझ में आ गई? ठीक है। हाँ, ग्लोटिस। अच्छा, आप लोग खाना खाते हैं, बहुत बार खाना खाते खाते हिचकी आने लगती हैं, या जल्दी जल्दी खाना खा लिया, या खाना खाते खाते बातें करते हैं बहुत लोग, तो खाना क्या होता है, कभी मुंह से निकलता है, कभी नाक से निकलता है। नाक से क्यों निकलता है? क्योंकि वो श्वसन तंत्र में, हम वापस इस चीज़ को कंठ द्वार को पढ़ेंगे और ग्रसनी को पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ भी आएगा ये चीज़। तो क्या होता है, कंठ द्वार के ऊपर एक पत्तेदार संरचना होती है, एक ढक्कन होता है इस द्वार के ऊपर, ग्लोटिस के ऊपर। अब ऊपर होती है इसलिए उसको एपिग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस, हिंदी में घाटी ढक्कन कहते हैं। इस कंठ द्वार के ऊपर एक ऐसा ढक्कन लगा होता है, जब आप लोग खाना खाते हैं या जब हम खाना खाते हैं तब उस कंठ द्वार के ऊपर वो ढक्कन लग जाता है, ठीक है, ताकि भोजन निगल द्वार की जगह कंठ द्वार में ना जाए। इसलिए भगवान ने ऐसी कर रखी है कि उस टाइम कंठ द्वार बंद हो जाता है जिस टाइम हम खाना खाते हैं। लेकिन हम लोग बहुत ही ज़्यादा शाणे हैं, हम कहते हैं नहीं भाई, हम तो नेचर के उल्टे चलेंगे, मतलब खाना खाते खाते भी बातें करेंगे, इसलिए मना किया जाता है कि खाना खाते खाते बातें नहीं की जाती, या जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए, तो इसीलिए होता है वो। तो खाना क्या होता है, निगल द्वार की जगह कंठ द्वार में चला जाता है। किस में चला जाता है? निगल द्वार की जगह कंठ द्वार में चला जाता है, क्योंकि जब हम बातें करते हैं तो वो ढक्कन उस पर पूरी तरीके से नहीं लग पाता है, ऑक्सीजन लेते रहते हैं, तो वो ढक्कन हटा हुआ होता है, जिससे निगल द्वार की जगह कंठ द्वार में चला जाता है। और खाना खाते समय वो अपने आप बंद हो जाती है, आपको कोई वो नहीं है कि हम खाना खा रहे हैं बंद हो जा, वो अपने आप बंद हो गया, आपको कोई जाके बंद नहीं करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमारी गलती की वजह से क्या होता है, खाना निगल द्वार की जगह कंठ द्वार में चला जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आगे से जब भी खाना खाओ तो क्या, बातें नहीं करनी, और जल्दी जल्दी नहीं खाना, आराम से खाओ। शादी पार्टी में जाते उमड़ जाते सारा का सारा, अभी 10 मिनट में खा के ख़त्म करना है, कोई देख ना ले, तो ऐसा काम नहीं करना, धीरे धीरे आराम से खाना। हाँ, तो निगल द्वार आगे जाके किस में खुल रहा है, तो ग्रसिका में, ऑइसोफेगस, जबकि कंठ द्वार आगे जाके किस में खुलता है, तो श्वास नली में खुलता है। अच्छा, कंठ द्वार के ऊपर कौन सी संरचना पाई जाती है, अभी बताई, एपिग्लोटिस, या जिसको हम हिंदी में घाटी ढक्कन कहते हैं। अच्छा, ये पूरा का पूरा एपिग्लोटिस और घाटी ढक्कन हम श्वसन तंत्र में पूरा का पूरा इसको लिखेंगे, क्योंकि इसको पूरा का पूरा श्वसन तंत्र में हम वापस पढ़ेंगे, वहाँ वो वापस चीज़ आएगी और पूरा लिखवाऊंगी कि ढक्कन होता है, खाना खाते वक्त लग जाता है और बातें करने से हट जाता है, ऐसा नहीं है, मतलब खाना खाते वक्त वो लग जाता है। तो जैसे ही कंठ के ऊपर वो दरवाजा लग जाता है, उसका ढक्कन है घाटी ढक्कन, उसको कहते हैं ग्लोटिस के ऊपर एपिग्लोटिस, ठीक है। तो जब हम खाना खाते हैं उसके ऊपर लग जाता है, ताकि खाना कंठ द्वार में ना जाए, निगल द्वार में ही जाए, जिससे ग्रसिका में पहुंच जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है, कंठ द्वार के ऊपर कौन सी संरचना पाई जाती है, तो एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन, जो भोजन को कंठ द्वार में जाने से रोकने का काम करती है, ठीक है। वो हिचके आना, खाना फंस जाना, वापस नाक के थ्रू निकलना, वो सारा का सारा काम इसी वजह से होता है, क्योंकि हमारा खाना निगल द्वार की जगह कंठ द्वार में चला जाता है, ठीक है। ये आपकी ग्रसनी की चीज समझ में आ गई, दो द्वारे कौन कौन से, निगल द्वार कंठ द्वार, निगल द्वार ग्रसिका में खुलता है, कंठ द्वार श्वास नली में खुलता है, ग्रसिका मतलब भोजन नली, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी चीज हमारी, जो हमारी है, मुगुहा हो गया, ग्रसनी हो गया, अब बात करते हैं ग्रसिका की, किसकी, ग्रसिका। अच्छा, ये रही आपकी ग्रसिका, ये दिख रही है ये वाली लाइन, यहाँ तक ग्रसनी, ये ग्रसनी वाला पार्ट है, और ये पूरी की पूरी ग्रसिका वाला पार्ट है। अब ये ग्रसिका क्या होता है, तो ये ग्रसिका क्या होता है, अभी बात करते हैं ग्रसिका की। इधर देखिए, ये ग्रसिका, ये ग्रसिका, इसकी लिखती हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, थर्ड ग्रसिका। ये ऑइसोफेगस, ये ग्रसिका। अच्छा, इसका काम क्या है, ऑइसोफेगस,
अब ये जो ऑइसोफेगस है, ये हमारी ग्रसिका की बात हमने की, ऑइसोफेगस। हाँ, एक और चीज, ऑइसोफेगस की बात करते हैं हम, तो ऑइसोफेगस की लेंथ कितनी होती है? तो लगभग 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। लंबाई नहीं पूछता, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज, इस ग्रसिका में सी आकार के या यू आकार के छल्ले होते हैं, ऐसे ऐसे छल्ले होते हैं ये ऐसे, ठीक है। तो ऐसे इनमें छल्ले पाए जाते हैं, ओके। तो सी या यू आकार के छल्ले पाए जाते हैं, इनमें गति पूछी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्रसिका का यही है कि क्रमाकुचन गति पाई जाती है। कौन सी गति? क्रमाकुचन, मतलब क्रम के अनुसार, संकुचन फिर शिथिलन, फिर संकुचन मतलब शिथिलन मतलब रिलैक्स होती है, जैसे ऐसे। ये क्रम के अनुसार ये बढ़ी, फिर भोजन नीचे उतरा, फिर थोड़ा नीचे उतरा, फिर क्रम के अनुसार फिर वापस खुला, फैला, फिर सिकुड़ा, फिर नीचे उतरा, फिर फैला, फिर सिकुड़ा, फिर नीचे उतरा, फिर फैला, फिर सिकुड़ा, फिर नीचे उतरा। तो क्रम के अनुसार संकुचित होता है, फिर शिथिल, फिर संकुचित, फिर शिथिल, मतलब रिलैक्स होना, फिर ऐसे ऐसे नीचे उतरता है, ऐसे ऐसे, क्योंकि छल्ले है ना उसमें, इसलिए ऐसे ऐसे भोजन उतरता है, उसको कहते हैं क्रमाकुचन गति। और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रसिका का क्वेश्चन यही आता है। दूसरा, इसमें ना तो पाचन की क्रिया होती है और ना ही अवशोषण की क्रिया होती है, तो इसमें भी एक ग्रसिका क्वेश्चन आता है, आहार नाल के किस भाग में पाचन और अवशोषण की क्रिया नहीं होती? तो ग्रसनी ग्रसिका दोनों में नहीं होती, लेकिन ग्रसिका ही क्वेश्चन हर बार ज्यादातर पूछता है, ठीक है, ऑप्शन में हर बार ग्रसिका देता है। तो कैसे छल्ले होते हैं? तो सी या यू आकार के छल्ले होते हैं, सी या यू आकार के छल्ले, ठीक है। तीसरी बात, अभी हमने बात की है ना क्या, कि ग्रसिका में गति कैसी होती है? क्रमाकुचन गति, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। क्रमाकुचन गति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रसिका में यही है। चीज समझ में आ गई क्या है? 25 सेंटीमीटर सीयू आकार के छल्ले और क्रमाकुचन गति। अच्छा, यहां पर श्लेष्मा ग्रंथियां सब में पाई जाती हैं, हमारी ग्रसिका में भी आएगी, छोटी आंत में भी आएगी, आमाशय में भी आएगी, सब में म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती है, श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है, जो म्यूकस का स्तावण करती है, जो उसको तरल बनाने का, नम बनाने का, ताकि भोजन इजीली नीचे सिरकता जाए, खिसकता जाए, कहीं पे रुके नहीं, इसलिए म्यूकस पाया जाता है इनमें सब में। हाँ, क्रमाकुचन गति करता है, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, हमने अभी बात की लार से, तो लार से सना हुआ पदार्थ या लार से सना हुआ, मुख गुहा से लार मिली, मुख गुहा में जब हमने खाना खाया डाला मुख में तो लार मिली उससे पूरे में, तो वो मुख गुहा से लार से सना हुआ पदार्थ या भोजन, लसलसा पदार्थ जिसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो बॉल्स। क्या कहते हैं? बॉल्स। वही ग्रसनी और ग्रसिका से होता होता आमाशय में जाता, फिर आमाशय से अधपचित भोजन को आगे काइम कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब यहां से मुख गुहा से निकले ग्रसनी ग्रसिका तक, तब तक उसको हम क्या कहेंगे? बॉल्स। आमाशय में जाते हुए बॉल्स भी कहते हैं, लेकिन वहां से अधपचित भोजन फिर आगे बढ़ता है, फिर उसको काइम कहते हैं, तो इसी का उसको क्या बोलेंगे? बॉल्स। मुख गुहा में लार से सने हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो बॉल्स। तो मैं यहां लिख देती हूं, अच्छा ऊपर ही लिख देती हूँ इस चीज को मैं आके, लार से मुख गुहा में लिख लेना, ज्यादा अच्छा लगेगा। मुख गुहा में ही लार मिली, तो मुख गुहा में लार से मिला हुआ भोजन या लार से सना हुआ पदार्थ या लार से सना हुआ लस लसा पदार्थ भी जिसको कहते हैं, लार से सना हुआ मतलब मिला हुआ लस लसा पदार्थ या भोजन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? बॉल्स कहलाता है। क्या कहलाता है? बॉल्स, ठीक है। चीज समझ में आ गई क्या कहलाता है? बॉल्स। ये बात हो गई आपकी ग्रसिका तक, ग्रसिका की क्रमाकुचन गति इंपॉर्टेंट है, उस चीज को याद रखना, ओके। हाँ, हमने आज क्या क्या बात की? सबसे पहले
डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने सबसे पहले बात की माउथ बकल कैविटी, माउथ एंड बकल कैविटी, मुख व मुख गुहा, तो उसमें हमने बात की जीभ और दांत, वो आगे स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। फिर हमने बात की लार ग्रंथियां, कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती है, तीन जोड़ी। अच्छा, लार ग्रंथियां किस प्रकार की ग्रंथियां हैं, बहिस्रावी की अंतःस्रावी, तो मैंने आपको भी बताया बहिस्रावी ग्रंथियां, क्योंकि अंतःस्रावी तो हार्मोन स्रावित करते हैं, है ना। उसके बाद हमने बात की तीन जोड़ी कौन कौन सी है, पैरोटिड ग्रंथि, सब मैक्सिलरी और सबल्यूगल। पैरोटिड ग्रंथि कान के आगे, ये कर्णपूर्व ग्रंथि, ये वाली याद है ना, कर्णपूर्व ग्रंथि कौन सी, ये वाली कान के आगे। उसके बाद सब मैक्सिलरी या मैंडिबुलर, हमने जबड़े वाली बात की थी, तो अधोजम लार ग्रंथियां, अधोजम लार ग्रंथियां मतलब जबड़े के नीचे, अधो मतलब नीचे, अधि भी बोलते हैं अधोजो, तो जबड़े के नीचे पाई जाने वाली। हाँ, तो ये आपका जबड़ा, इसके नीचे ये वाली, ये सब मैंडिबुलर है आपकी, ठीक है, ओके। फिर बात करते हैं, ये आपकी जीभ है, इस जीभ के नीचे ये दिख रही है, ये वाली आपकी सब ल्यूगल ग्रंथि, जीभ के नीचे या जिह्वा के नीचे पाई जाती है, उपस्थित होती है। तो ये तीन जोड़ी हो गई। अच्छा, प्रतिदिन कितने लीटर, तो 1 से 1.5 लीटर लार स्रावित करती है। लार में क्या क्या होता है, तो 99% वाटर होता है, 1% एंजाइम होते हैं, ऐसे साल्ट भी होता है, म्यूकस भी होता है, ठीक है। हाँ, तो जीवाणुनाशक एंजाइम, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, लार में पाया जाने वाला जीवाणुनाशक एंजाइम कौन सा है, लाइसोजाइम, लाइसोसोम, लाइसोजाइम, याद रहेगा, नहीं तो लाश बनाने वाला एंजाइम लाइसोजाइम। इसमें किसका पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट के भी किस सोर्स का या स्रोत का, तो स्टार्च का पाचन होता है। स्टार्च को किस में तोड़ता है, माल्टोज में तोड़ता है। यहां तक बात समझ में आ गई, स्टार्च में क्या आएगा वो भी बता चुकी हूँ, गेहूं, चावल, आलू, केला, ये सारे के सारे स्टार्च के ही आते हैं, ठीक है। और संतुलित आहार में पूरा हम पढ़ेंगे डाइट का। हाँ, उसके बाद इसके पीएच क्या है, तो 6.8, कितनी है, 6.8। ये पूरी की पूरी आपकी इसकी बात हो गई। अब आगे बात की थी हमने ग्रसनी की, ग्रसनी में कितने द्वार पाए जाते हैं, दो द्वार, कौन कौन से, निगल द्वार और कंठ द्वार। निगल द्वार आगे जाके किस में खुलता है, तो भोजन नली ग्रसिका ओसोफेगस में खुलता है, जबकि कंठ द्वार आगे जाके श्वास नली में खुलता है। आगे पढ़ूंगी, ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ने वाला काम कंठ या लैरिंक्स जिसको कहते हैं, ये साउंड सिस्टम हमारा, ठीक है, कंठ द्वार, जिसके ऊपर, कंठ द्वार के ऊपर एक परत पाई जाती है, एक ढक्कन पाया जाता है, जिसको एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन कहते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो कंठ में खाना ना जाए कंठ द्वार, इसलिए कंठ द्वार के ऊपर एक ढक्कन लगा दिया जाता है, जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं, ताकि खाना निगल द्वार में ही जाए, कंठ द्वार में ना जाए। ये पूरा का पूरा श्वसन तंत्र में अच्छे से पढ़ेंगे और लिखेंगे। फिर बात की हमने ग्रसिका की, ग्रसिका की लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर लगभग। कैसे छल्ले होते हैं, सी या यू आकार के छल्ले। गति कैसी करता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गति कैसी करता है, तो क्रमाकुचन गति करता है, क्रम के अनुसार, संकुचन फिर शीतलन, फिर संकुचन फिर शीतलन, कीड़े नहीं आते ऐसे 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 नीचे नीचे गति करके, और भोजन नीचे नीचे जाता जाता। लार से सना हुआ पदार्थ या मुख गुहा में लार से मिला हुआ भोजन क्या कहलाता है, तो बॉल्स कहलाता है। क्या कहलाता है, बॉल्स। जैसे बॉल लुढ़कती 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 नीचे आ रही है ना, वैसे ये बॉल्स है, तो इसको बॉल से याद रख लेना, बॉल क्या, और ये लुढ़कती लुढ़कती नीचे जा रही है, मतलब बॉल्स क्या है, बॉल्स, याद आ जाएगा। ये पूरी की पूरी आज हमने बात की। अब आगे भोजन, मुख गुहा से ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रसिका, ग्रसिका के बाद आमाशय, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर मलाशय, गुदा द्वारा बाहर जाएगा। तो स्टमक से हम कल पढ़ेंगे, ग्रसिका तक आज कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू सो मच, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।